हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज अपन खड़े हैं किया सेल्टोस के सामने। ये इसका बेस वेरिएंट है जो अभी आप फेसलिफ्ट में आया है। इस गाड़ी की प्राइस स्टार्ट होती है 11,39,000 से और टॉप मॉडल की कीमत है 20,54,000। इस गाड़ी का नाम है किया सेल्टोस। जो वेरिएंट देख रहे हैं सामने, ये है इसका HTK वेरिएंट। इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक 1.5 लीटर पेट्रोल में और एक 1.5 लीटर डीजल में। इस गाड़ी में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे और पेट्रोल डीजल दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। सेल्टोस काफ़ी वक्त से इंडिया में पॉपुलर है और उस पॉपुलरिटी को देखते हुए किया ने अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट कर दिया है। कुछ फीचर्स इसमें ऐड किए हैं और कुछ लुक वाइज भी इसमें बढ़िया ऐड किया है। ये गाड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, काफ़ी बेस्ट लगने लग गई है। अगर फ्रंट से बात करें तो ये इसकी ग्रिल सिग्नेचर टाइप में, और ऊपर की तरफ आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी पहले की तरफ। नीचे आपको चार पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलेंगे फ्रंट में बेस मॉडल होते हुए भी, और ये साइड में इसके प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स बेस वेरिएंट में। ऐसा कोई एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये आप गाड़ी के अंदर साथ मिलेगा। किया सेल्टोस इंडिया में काफ़ी पॉपुलर रही है और हर एक फैमिली की सबसे पहली पसंद ही किया सेल्टोस होती है, अगर उसका बजट 11,00,000 से 20,00,000 के बीच में है। और ये फ्रंट से ये इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इसमें आपको नॉर्मल वाइट लाइट देखने को नहीं मिलेगी, और ऊपर की तरफ इंडिकेटर और एक DRL कह लो इसे, जो बल्ब कह लो, कुछ भी कह सकते हो, जो आप डे टाइम एनी टाइम रनिंग रहती है। ये टॉप वेरिएंट की तरह यहाँ पे LED का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा इसमें आपको, पर प्रोजेक्टर का देखने का सपोर्ट मिलेगा बेस वेरिएंट में भी आपको। और ऐसी कुछ लुक फ्रंट से और साइड से काफ़ी बोल्ड और काफ़ी मस्कुलर लगती है। एक कम प्राइस में बड़ी गाड़ी इतना मिलना, इसी कारण की वजह से लगता है कहीं ना कहीं सेल्टोस पॉपुलर रही है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अपने नाम पे। और ऐसी कुछ है साइड से, ये इसके बड़े से टायर। अगर इसमें आपको टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको 205/65/16 का टायर साइज़ देखने को मिलेगा। स्टील रिम देखने को मिलेगा जिसमें ऊपर आपको कैप देखने को मिलेगी, बीच में आपको डिस्क का भी सपोर्ट मिलेगा फ्रंट में, और रियर में भी डिस्क का सपोर्ट मिलेगा, ऑल व्हील्स डिस्क है इसमें। और ये साइड मिरर इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल, फोल्डेबल नहीं है, विथ LED इंडिकेटर के साथ। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। और इस गाड़ी की सबसे बेस्ट बात है A और BC तीनों पिलर आपको ब्लैक देखने को मिलेंगे बेस वेरिएंट में भी। ऐसी कुछ है लुक फ्रंट से इसकी, और ये कलर भी काफ़ी इस पर शूट कर रहा है। ये है इसकी साइड प्रोफाइल। ये गाड़ी आपको पेट्रोल में देखने को मिलेगी। और बात करें पीछे के लुक सी, तो ये भी कंपनी ने काफ़ी हद तक चेंज किया है लाइट्स वगैरह। जो पहले आपको हर्ट शेप में लाइट दिखती थी वो अब देखने को नहीं मिलेगी, चेंज कर दिया कंपनी ने। ये इसकी टेल लैंप, ये रिफ्लेक्टर, और अगर साइड में इस कनेक्टेड लाइट की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोम देखने को मिलेगा। ये अगर यहीं टॉप वेरिएंट होता तो इसमें एक लाइट होती, हाँ क्रोम की जगह लग रहा है। ये है इसका रिवर्स कैमरा, रिवर्स कैमरा भी काफ़ी अच्छा है इसका, HD क्वालिटी देता है एकदम। ऐसी कुछ लुक पीछे से इस गाड़ी की, कहीं से देखने में लग नहीं रही है कि ये बेस वेरिएंट है एक, पर इस गाड़ी में बेस वेरिएंट करके देखना है तो इसमें आपको रियर वाइपर नहीं मिलता और रियर डिफोगर नहीं मिलता। ये इसका शार्क फिन एंटीना, और ये रूफ रेल्स, और ये रियर बॉटम। साइड की तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को भी मिलेंगे और बैक गियर लाइट भी देखने को मिलेगी, और ये पार्किंग सेंसर चार। अब चलते हैं गाड़ी के बूट को खोलते हैं। तो इस गाड़ी में अगर बूट स्पेस की बात करूं तो पूरा 433 लीटर का बूट स्पेस है, जो एक सफिशिएंट है आपके लिए। आराम से आप 3 से 4 लगेज बैग आराम से रख सकते हो इसमें, और ये नीचे स्पेयर व्हील। और इस गाड़ी में अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 50 लीटर तक फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। और ये इसकी साइड में लाइट,
इधर की तरफ एक हुक देखने को मिलेगा, अगर यही टॉप वेरिएंट होता तो साइड की तरफ आपको स्पीकर भी देखने को मिलता बॉस का, ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर अंदर से। और इधर की तरफ एक हुक है जिसे आप पकड़ के ऐसे बंद कर सकते हो टेलगेट को। ये इसकी दो नंबर प्लेट लाइट जो वाइट में होती तो काफ़ी अच्छी लगती, यहाँ तक कि टॉप वेरिएंट में भी कंपनी ने येलो ही दी है। ये इसका रियर साइड डोर, इसमें आपको पावर विंडो स्विचेस मिलते हैं, इल्यूमिनेटेड है। और इधर की तरफ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, वही डिज़ाइन वही बॉक्सी शेप में। ऊपर की तरफ आपको सनसेट्स भी देखने को मिलेंगे। ये लीगल है या इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ यूज़र्स के रिव्यू हैं मेरे पास जो कहते हैं कि इसकी वजह से चलान भी कट चुके हैं हमारे दिल्ली में। और ये इसकी फैब्रिक अपोस्ट्री सीट्स, जिसमें आपको दो फिक्सेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे और किसी प्रकार की पार्सल ट्रे भी देखने को नहीं मिलेगी आपको इसमें। और ये दो फिक्सेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे इसमें, और बीच में कोई प्रकार का आर्म रेस्टर देखने को भी नहीं मिलेगा इसमें। और बैठते हैं इसके अंदर, स्पेस की बात करूँ तो स्पेस के मामले में सेम है उसी गाड़ी की तरह। इधर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे किसी प्रकार का सॉफ्ट टच आपको देखने को नहीं मिलेगा, हार्ड टच है सारी तरफ। और फ्रंट में इधर भी मैगजीन होल्डर नहीं है, और इस सीट पे भी मैगजीन होल्डर नहीं है। और बीच में आपको दो एसी यूनिट्स देखने को मिलेंगी और दो चार्जर सॉकेट देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा बहुत कम्फर्ट वाला है, पर है हार्डी, इतना कम्फर्ट में नहीं है। तो ऐसी कुछ है स्पेस। बीच में आपको एक रूफ लाइट देखने को मिलेगी येलो में, अगर ये भी वाइट दे देती तो काफ़ी अच्छा रहता। और ये इसके ग्रैब हैंडल जो ऑटो रोटेट के साथ। बीच में किसी प्रकार की सनरूफ आपको देखने को नहीं मिलेगी इसमें, और सनसेट्स आपको दोनों साइड देखने को मिलेंगे, सनसेट से काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ, बात करते हैं ड्राइवर के दरवाजे की। ड्राइवर साइड की तरफ बात करते हैं ड्राइवर के डोर की, तो ड्राइवर साइड डोर में आपको वही देखने को मिलेगा, चार पावर विंडो के स्विचेस अप एंड डाउन के, और विंडो लॉक एंड लॉक का, और कार अनलॉक एंड लॉक का, और विंडो मिरर साइड एडजस्टेबल के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस तरफ सॉफ्ट टच आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें, हार्ड टच ही देखने को मिलेगा चारों तरफ हर दरवाजे में। तो ये है किया सेल्टोस फेसलिफ्ट में बेस वेरिएंट का इंटीरियर, जिसमें आपको मैन्युअली गियर दे ऑप्शन देखने को मिलेगा, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स है, हाँ 6-speed है मैनुअल ट्रांसमिशन। बैक गियर डालने के लिए स्विच दे रखा है इसमें, और ये इसका मैनुअली हैंड ब्रेक, और थोड़ी बहुत स्पेस आर्म रेस्टर में इधर मिलेगी, और दो बॉटल होल्डर देखने को मिलेगा, जिसमें एक बॉटल होल्डर और एक कप होल्डर देखने को मिलेगा। ये कोई इस प्रकार की स्पेस नहीं है, बस हेडरेस्ट इस हैंड ब्रेक के लिए। अब चलते हैं, थोड़ा फैन चला लेते हैं। एक बार और ऑन करनी पड़ेगी, बस बढ़िया। ये तो काफ़ी सिमिलर है कैरेंस की तरह, इस चीज़ में इतना चेंजेस नहीं है। तो सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हो, इसका साइज है 10.25 इंचेस का, और इसका जो वही साइज़ है नॉर्मल 8 इंची का, जो आप नॉर्मल सारी सेल्टोस या फिर सोनेट में देखते हो, वही पूरा सेटअप वही है ये। और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों देखने को मिलेगा डिवाइस कनेक्शन में साथ, ब्लूटूथ देखने को मिलेगा इसमें। मेरे को एप्पल कारप्ले का पूरा पता नहीं है इसमें, अगर होगा तो सही कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको मार्क दे दूंगा कि इसमें नहीं है। अपडेट इसमें फीचर्स देखते हैं, वाईफाई का भी फीचर है, और साउंड के लिए भी, और बटन्स, और ये इसका वॉल्यूम का स्विच, और ये मीडिया रेडियो सेटअप ट्रैक सिक, और ये ऊपर की तरफ मैन्युअली एडजस्टेबल IRVM, और थोड़ा ऊपर की तरफ ये इसका थोड़ा ऊपर की तरफ देखें, ये इसका सनग्लास होल्डर, और ये वाइट लाइट नहीं है, येलो लाइट में देखने को मिलेगा आपको दो, पर इसको थोड़ा वाइट दे दे तो बढ़िया रहता। और ऐसा कुछ पीछे से देखने में। और इसकी इंटीरियर की बात करूँ तो बेस वेरिएंट का इंटीरियर आपको पहले से पता ही होगा, किया ने अपने कस्टमर को कभी असंतुष्ट नहीं किया, सारी बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक सारी गाड़ियों में इंटीरियर किया ने एक नंबर का दिया, जो आपको सबको पसंद आए ऐसा इंटीरियर दिया, जिसमें इसकी तरफ आपको मीडिया के स्विचेस देखने को मिलेंगे, मीडिया के पूरे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे आपको इसमें, जैसे कि मोड हो गया, कॉलिंग का हो गया, और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का हो गया। और इसकी तरफ आपको
हाँ एप्पल कारप्ले सपोर्ट है वायरलेसली, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है। हाँ ये पता चल गया, चलो ठीक है अभी। और इधर की तरफ आपको इसमें MIDI के स्विचेस देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट, क्लस्टर लाइट, डोर और कन्वेंस यूनिट रीसेट, और ये ओके का बटन इधर देखने को मिलेगा आपके, लाइट्स ओके, इल्यूमिनेशन, वन टच टर्न, हेडलाइट, हेडलाइट में बंद कर देता हूँ, स्टार्ट कर रखी थी मैंने, इल्यूमिनेशन, इंटीरियर ऑन लाइट, अच्छा इंटीरियर में भी लाइट है इसमें, अब वो है काम, वो तो रात को ही पता लगा सकते हैं अपन, अभी तो देखने में कुछ पता नहीं चलेगा मेरे को। इसने इंडिकेशन भी दे दिया कि इसका बूट ओपन है, हाँ बूट अभी मैंने जब आपको दिखाया तो ओपन रह गया होगा। और ये इसका मैनुअली क्लाइमेट कंट्रोल AC यूनिट, जिसमें आपको नॉर्मली बस पूरा मैनुअली देखने को मिलेगा, ये आपको स्विचेस देखने को मिलेंगे, आपको एयर कंटेक्ट कहाँ कहाँ चाहिए, AC का और ये बाहर की हवा या फिर सर्कुलेशन का। नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट देखने को मिलेगा, और एक USB और एक दूसरा iPhone चार्जर सॉकेट देखने को मिलेगा, और दो AC यूनिट्स यहाँ देखने को मिलेंगे, एक वहाँ और एक यहाँ। AC यूनिट्स में कोई फ़र्क नहीं है, वो जैसा पहला था वैसा ही पूरा है, बस थोड़े बहुत मेजर चेंजेस दिए हैं, जैसे कि स्क्रीन का हो गया, थोड़े बहुत बाहर का चेंज हो गया, थोड़ी पीछे का हेडलाइट्स का चेंज हो गया, ऐसा कुछ मिला के फेसलिफ्ट बना दिया गया किया सेल्टोस का पूरा। देखने में तो काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया है बेस वेरिएंट में, हाँ जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर इसी स्क्रीन की बात करूँ तो ये थोड़ी थोड़ी सिमिलर है कारेंस और किया सोनेट की। इधर की तरफ आपको ऑटो हेडलाइट देखने को मिलेगी, और ये इसके वाइपर्स कंट्रोल। इधर की तरफ आपको स्पेस मिलेगी, आप चाहो तो सब वूफर लगवा सकते हो जो टॉप वेरिएंट में आते हैं, और यहाँ की तरफ आपको जो कटआउट देख रहे हो, अगर टॉप वेरिएंट होता तो यहीं आपको हेड्सअप डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता, ये इधर कटआउट दिया गया पूरा, मतलब हटा के क्या पता लगवा भी सकते हो, पूरा पता नहीं है मेरे को इतना इस चीज़ का। और ये थोड़ा बहुत स्पेस इधर, इसमें आपको नॉर्मल अपोस्ट्री की सीट मिलेगी फैब्रिक अपोस्ट्री में, और टॉप वेरिएंट होता है तो इधर स्विचेस ये काम करते हैं, जिसमें सिर्फ अभी एक स्विचेस काम कर रहा है पार्किंग, फ्रंट पार्किंग का, फ्रंट में आपको मैंने दिखाया पार्किंग सेंसर है इसमें भी। और ORVM की बात करूँ तो इसमें ORVM बस आप एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड अनफोल्ड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा इसमें, एडजस्ट कर लिया, आप 20 वाला एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा, सही है। और ये हेडलाइट लेवलर के लिए, अगर स्टेयरिंग की बात करूं तो मैं टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट में, और चाबी मैंने दिखाई दी थी आपको, चाबी ऐसी वाली है, इसकी फ्लिप की मिलेगी आपको, जिसमें आपको फ्लिप की मिलेगी पर आपको जो कंट्रोल्स हैं वो इस साइड देखने को मिलेंगे। तो ये था किया सेल्टोस बेस वेरिएंट का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज, बने रहिएगा मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर।